क्या आपकी डिमांड्स थी, क्या आश्वासन मिला इस पर आपने स्ट्राइक खत्म करने का ऐलान किया? हमारी जो मेन डिमांड थी कंपनसेशन, तारों की जितनी भी जाल है उस जाल को साफ करना, नाले में जो भी दिक्कत आ रही है उसकी सफाई करना, बेसमेंट की जितनी लाइब्रेरियां हैं उन सबको बंद करना, मकान मालिकों पे जो भी थोड़ा किराया है उस पे थोड़ा कंट्रोल करना, ये हमारी सबसे मेन मुख्य मुद्दे थे। क्या मिला आपको जो ऑफिस मीटिंग से हैं? जी हमको मिला ये है कि ओरली कमिश्नर साहब ने हर चीज़ पे अपनी सहमति जताई है और उन्होंने कहा है हम ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे, बट जैसे ओरल की बात का कोई भरोसा नहीं कर सकते, तो हमने उनसे कहा है कि आप आधे घंटे में प्रेस रिलीज करिए, और उन्होंने भी कहा हम आधे घंटे में प्रेस रिलीज करेंगे, और जितनी भी हमारी शिकायतें और जो भी उनसे डिमांड्स थी वो उन सबको उन्होंने हमारी बातों मानी हैं, उन्होंने कहा है प्रेस रिलीज करके भी बोलेंगे कि हम ये डिमांड कितने समय में और कैसे कैसे पूरी करेंगे, ये सारी बातें वो प्रेस रिलीज में बताएंगे ताकि बाकी की जनता को पता चल सके और लोग प्रोटेस्ट साइट से हट सकें। आपका, हाँ वही कह रहा हूँ, एजिटेशन का, हंगर स्ट्राइक का फैसला क्या इनके ऐलान के बाद होगा या अभी से कर दिया गया है? फॉर द टाइमिंग तो हमने अभी अपना हंगर स्ट्राइक छोड़ दिया है, क्योंकि जब उन्होंने वादा किया है तो हम उन पर भरोसा जता रहे हैं मानवता के नाते कि जब उन्होंने कहा है तो प्रेस रिलीज करेंगे और सहमति जताएंगे हर हमारी डिमांड पे, क्योंकि अंदर तो उन्होंने बात मानी है, उनको बाहर भी हर बात हमारी माननी चाहिए। हमने अपनी डिमांड रखी है कि ऐसे 5 करोड़ का देना है, उन्होंने फर्दर बोला है कि ठीक है हम ऐसे डिस्कशन करेंगे बाकी ऑफिसर्स के भी साथ, क्योंकि जो MCDA है बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे विभाग हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का विभाग हम उनसे बात करेंगे, कंपनसेशन की भी बात करेंगे, और फिर हम आपको वापस रीच बैक करेंगे और आपको जितने भी आपके डिमांड्स थी उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो आपकी पूरी लिस्ट थी ऑफ डिमांड्स वो आपको बताएंगे और फिर उसके हिसाब से हम प्रेस रिलीज करेंगे। आप लोग की बड़ी डिमांड्स थी कि मनमानी कोचिंग सेंटर्स भी करते हैं वहाँ पर लाइब्रेरीज में सबको लेकर के, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि वो रेगुलेशन लेकर के आएगी, एक्ट बनाएगी, उसके लिए कमेटी बनाई गई है, आपका इस पर क्या कहना है, उस कमेटी में आप लोग भी अपनी फीडबैक देंगे? देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने तो ये बोला ही नहीं है, एक्चुअली हम स्टूडेंट्स ने वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठ के बोला है कि एक रेगुलेशन एक्ट आना चाहिए और आज उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हाँ जी उन्होंने आज अनाउंस कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है बाय द MCD, बाय द प्रशासन, ठीक है, ये ऐसे फर्दर ना हो, तो बहुत अच्छी बात है, एक रेगुलेशन एक्ट आएगा, स्टूडेंट्स क्या है वो अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, एक प्रॉपर ट्रस्ट रहेगा स्टूडेंट्स को कि हाँ MCD ने हमारी बात सुनी है, गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी है, तो जो अब UPSC एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी अब मेंस की तैयारी। आखिरी सवाल आपसे, हाईकोर्ट में से सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने कमिश्नर को तलब भी किया है, उन्होंने कहा है, इंडिकेशन दिया है कि आपने जो जिम्मेदार थे MCD के अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया, SUV ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, इस पर सवाल पूछा, दूसरा इंडिकेशन दिया है कि CBI प्रोब भी हो सकता है, आप भी चाहते हैं इसमें CBI जांच हो? देखिए CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, हमें ये हमने हमारी ये भी बेसिक मांग थी कि आप हमें CCTV फुटेज दिखाएं कि हमारे कितने भाई बहनों की, कितने दोस्तों की हत्या करी है आप लोगों ने, क्योंकि इट वाज अ टोटल क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज अ मर्डर। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी उसमें से एक बहन है वो महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पढ़ी हुई है और उसकी ऐसी हत्या हो गई है, मतलब एकदम से उसके जो ड्रीम्स थे वो चूर चूर हो गया है, परिवार का एक सपना था वो चूर चूर हो गया, तो हमें दुख होगा, उस परिवार को दुख होगा, जरा उनके पास जाके पूछो कि उनको कैसा फील हो रहा होगा, तो बिल्कुल CBI प्रॉब होनी चाहिए। और जी हाँ जी, आपका नाम बताइए, डेलीगेशन कितने लोग थे? वी वर टोटल 13 स्टूडेंट्स। तो ये हादसे द्वारा ना हो, क्योंकि बात सिर्फ नीलेश जैन 3 छात्रों की नहीं है बल्कि आगे भी भविष्य में ऐसी घटनाएं रुक सके, इसको लेकर के छात्रों का एजिटेशन था, लेकिन फिलहाल जो है MCD कमिश्नर से मुलाकात के बाद इन्हें आश्वासन दिया गया है कि इनकी मांगों को मान लिया जाएगा, जिसके चलते इन्होंने कहा है कि इन्होंने फिलहाल अनशन को टाल दिया है, और लेकिन इस पर लिखित इनको आश्वासन मिले उसके बाद ही छात्रों को इस बात पर भरोसा होगा। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कमेटी का भी ऐलान कर दिया है। अपने मनीष भल्ला के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने बात दिल्ली।